बैंकों के निजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार आम लोगों का अधिकार छीनकर मुट्ठी भर पूंजीपतियों के साथ में हिंदुस्तान को सौंपने जा रही है, हाथों में सौंपने जा रही है। इंदिरा गांधी के वक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि आम जनता तक बैंकों का लाभ मिल सके, लेकिन ये सरकार सब बैंकों को बंद करने जा रही है। राष्ट्रीयकृत जितने भी हमारे जो पीएसयू है उसे निजीकरण करने जा रहे हैं। उसका उद्देश्य, पीएसयू का उद्देश्य जहां देश में धन उपार्जन करने के साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट की सोच रही है, नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने का, अब ये सरकार है आम लोगों के अधिकार छीन के कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरी संपत्ति हिंदुस्तान में सौंपने जा रही है।